जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसे हर दिल को गाना पड़ेगा, पार जाना पड़ेगा। चाहे चेहरे पे दाग धब्बे हो रखे हों, चाहे चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हों, छोटे छोटे दाने आ रहे हों, फुंसियाँ आ रही हों, मंकी बम्स बन रहे हों, चेहरे पे टैनिंग आ गई है गर्मियों की वजह से, मच्छर क्या बिंदास उड़ रहा है, मच्छर की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी भाई साहब। हाँ, और चाहे चेहरा एकदम डल पड़ गया है, चेहरा बिल्कुल मुरझा सा गया है, कोई भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम इशू है, तो आज का जो पैक मैं आपके साथ शेयर करूंगी या जो मैं पैक आज आपको बताऊंगी यार, वो एक बार आप लगा लेना, एक बार में जो इतना बढ़िया वाला फर्क आपको मिलेगा ना, वो कहने ही क्या। देखिए हुआ क्या, मुझे कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा, मैंने अपनी कम्युनिटी में शेयर किया था कि मैंने बाहर बताशा खा लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, चटोरा मन अंदर का जाग गया था। उसके बाद फीवर ने मुझे ऐसा पकड़ा जैसे कि मैं उसका बहुत पुराना कोई प्यार हूँ, जो कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। फाइनली आज मुझे कुछ ठीक लगा तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपसे रूबरू हो जाऊँ और अपनी एक प्यारी सी वीडियो शेयर करूँ। दवाइयाँ खाई मैंने बहुत ज़्यादा, दवाइयाँ खाने की वजह से क्या हुआ कि मेरे छोटे छोटे दाने निकल आए, जो शायद कैमरे में विजिबल नहीं हो रहा, एक यहाँ पे निकल आया था, एक यहाँ पे निकल आया था, ठीक है। तो मैंने पैक बनाया, जो कि मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट उसका मिला, मैं ये पैक बना के लगाती रहती हूँ, चाहे दाने मुहासे हों चाहे ना हो, मतलब तो फ्यूचर के लिए सेफ हो जाता ना कि आपको मुहासा नहीं होगा। तो आज मैं आपके साथ वही पैक शेयर चैनल इशारा और मैं हूँ स्मृति। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे। देखिए स्वस्थ जरूर रहिए, अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है। बाहर का कुछ मत खाइए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा झेल चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ यार, घर का खाइए, आराम से रहिए, वरना बहुत ज्यादा फिर तबीयत खराब हो जाती है। तो आज का पैक मैं आपके साथ जो पैक शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है इन गर्मियों में। चाहे आपके चेहरे पे पसीने की प्रॉब्लम हो, आपकी स्किन लटक गई हो, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो, चेहरे पे मुहासे आ रहे हों, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, वो दाग छोड़ रहे हैं, हमारी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, मुरझा सी गई है पसीने की वजह से, गर्मियों की वजह से जो चेहरे का रंगत है, जो चेहरे का निखार है, वो कहीं खो गया है, चेहरे पे टैनिंग हो गई है, क्योंकि बाहर धूप में जाना ही पड़ता है, भले कपड़े फैलाने जा रहे हैं, कपड़े लेने जा रहे हैं, पार्सल लेने जा रहे हैं, बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, बच्चों को लेने जा रहे हैं, अब कहाँ तक धूप से बचोगे, थोड़ी बहुत टैनिंग हो जाती है। तो आप ये वाला पैक लगाइए, और सबसे अच्छी बात है ये वाला पैक आप लगा के बना के रख लीजिए, और आपका ये आराम से एक हफ्ता 5 दिन चलेगा, आपको रोज रोज नहीं बनाना होगा। आपके चेहरे पे बहुत अच्छे से ये ठंडक प्रोवाइड करेगा, आपके चेहरे पे बहुत अच्छा सा ग्लो लेके आएगा, और आप खुद देखिएगा कि आपका जो चेहरा है वो बहुत इम्प्रूव हो चुका है, और आपका चेहरा बहुत ही ज्यादा टाइट हो गया है, ब्राइट हो गया है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो में जाने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर इस वीडियो के थ्रू आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इशारा पे। यहाँ पे मैं लाती हूँ बहुत ही सिंपल, इजी और इफेक्टिव रेमेडी, जिसको लगा के मेरा परिवार खुश है। अगर आपको भी ऐसे ही वीडियो अच्छे लगते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, अच्छे वीडियोज हैं जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से पैम्पर करें, सब घरेलू चीज़ें हैं, बाहर से आपको कुछ भी नहीं लेना है, घर पे ही मिल जाएगा, एक पैसा आपका खर्च नहीं होगा, इतनी गर्मी में कहाँ आप जाओगे पार्लर, और घर पे रहिए, घर पे ही इतना अच्छा आपका स्किन केयर मैं करा दूंगी हमने अपने वीडियोस के थ्रू, कि आप अगर 1 महीना भी कर लोगे ना, आप खुद को खुद नहीं पहचान पाओगे। तो चलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, देखते हैं कि इसमें क्या क्या चाहिए बनाने के लिए। चलिए
तो चलिए चलते हैं किचन में। यहाँ पे मैंने लिया है खाली बाउल, आपको भी ले लेना है। इसके बाद मैंने लिया है एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी इन गर्मियों में अमृत की तरह है, हमारे चेहरे पे स्वेटिंग की प्रॉब्लम को कम करती है, चेहरे को टाइट करती है, कील मुहासों को बहुत अच्छे से ठीक करती है बिना दाग छोड़े। इसके बाद मैंने लिया है दही। दही हमारे चेहरे को ब्राइट करती है, हमारे चेहरे को साफ करती है, रंग को निखारती है। इसमें होता है लैटिक एसिड, हमारे चेहरे को टैनिंग को ये एक झटके में ख़त्म कर देती है। फिर मैंने लिया एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारे चेहरे को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हमारे चेहरे के रिंकल्स फाइन लाइंस को दूर करता है। इसके बाद मैंने लिया है लेमन जूस, ऑप्शनल है, अगर आपको सूट करता है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप टमाटर का रस डाल सकते हैं। इसमें होता है साइट्रिक एसिड, ये हमारे चेहरे को बहुत अच्छे से ब्लीच करता है, रंग को निखारता है, दाग धब्बों को दूर करता है। इसके बाद मैंने लिया है एक चम्मच रोज़ वाटर। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप पानी भी डाल सकते हो। इसका बहुत पतला सा पेस्ट बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि ये मतलब बहुत जल्दी, आपको पता होगा कि मुल्तानी मिट्टी बहुत जल्दी पानी को सोख लेती है, और जो गुलाब जल है ये हमारे स्किन पर बहुत अच्छा सा ग्लो लेके आएगा, हमारे चेहरे के दाग धब्बों को दूर करेगा, हमारे चेहरे को ठंडक पहुंचाएगा, हमारे चेहरे के पीएच लेवल को मेंटेन करके रखेगा, और सबसे बड़ी बात हमारे रोम छिद्र जो हैं उनको, ओपन पोर्स को ये टाइट करेगा, श्रिंक करेगा। इसके बाद आपको ये पूरे अपने चेहरे पे लगा लेना है, बचा हुआ है उसको आपको फ्रिज में रख लेना, और ठंडा ठंडा जब लगाएंगे ना तब तो कहने ही क्या है। इस तरीके से अपने पूरे चेहरे पे लगा लिए, जहाँ आपके पिंपल है वहाँ पे थोड़ी मोटी परत लगाइए, और इसको लगाने के बाद जो आप फील करोगे ना, क्या बात, इतना ठंडा ठंडा लगेगा। और इसको आपको पूरी तरीके से सुखाना नहीं है, सेमी ड्राई रखना है, और जब ये सूखने लगे तो बिल्कुल बोलिएगा नहीं। आगे मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है, ज़रूर देखिएगा। क्या मैं करती हूँ जब मैं पैक लगा के बैठती हूँ, बोरियत तो मैं आप होने ही नहीं देती हूँ, तो मैं सीरीज देखती हूँ या तो टीवी देखती हूँ या तो वो करती हूँ जो आगे आपको मैं बता रही हूँ, इट्स अ सीक्रेट। तो इस तरीके से आपको अपने पूरे चेहरे पे लगा लेना है, और लगाने के बाद आप चाहो तो अपने फैमिली मेम्बर्स को कुछ इस तरीके से डरा सकते हो। तो देखिए मैं क्या करती हूँ आगे। उसको सौगात उतनी मिलेगी, फूल जीवन में गर ना खिले तो कांटों से ही निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, उसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से आपको सेमी ड्राई कर लेना है, उसके बाद आपको इसको नॉर्मल पानी से धो लेना। आप चाहो तो आइस क्यूब से मसाज भी कर सकते हो। मेरे घर में बर्फ़ ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि इतने दिन उसमें बीमार थी, तो ग्रस्ती की तो हो गई थी ऐसी की तैसी। फिर मैंने फ्रिज में अपने खैर बर्फ़ जमा दिया, क्योंकि यार गर्मियों में आइस मसाज बहुत ज़रूरी होती, बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरीके से आपको अपने फेस को डैप डैप करके पोंछ लेना है। पोंछने के बाद आपको अपने लगाना है रोज़ वाटर। पहले आप ग्लो तो देखिए, ओए होए, चिन में देखिए, गाल पे देखिए, नोज़ पे देखिए, ट्यूबलाइट की तरह चमक रहा है, यार आपका भी ऐसे ही चमकेगा, लगाओ तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर ज़रूर लगाइए, गर्मियों में बेस्ट टोनर है, हमारे स्किन के रोम छिद्र को बंद करता है, हमारे चेहरे पे बहुत अच्छे से ग्लो लाता है। तो मैंने अपने पूरे चेहरे पे इस तरीके से लगा लिया है टोनर। टोनर लगा के बहुत अच्छे से मुझे फील हो रहा है। मैं अपने चेहरे पे बजा रही हूँ ता थैया तबला। तबला बजाइए या फिर ऐसे डैबिंग करिए, जिससे आपके चेहरे पे बहुत अच्छा सा ग्लो आए। That's it. दोस्तों है ना कितने कमाल की और कितनी इजी रेमेडी। इसको लगा के आप अपने चेहरे के दाग धब्बों से छुटकारा पा सकते हैं, आपके चेहरे की रंगत में निखार आएगा, आपका चेहरा बहुत अच्छे से निखरेगा, पसीना बहुत कम आएगा। और इसमें इन्वेस्टमेंट क्या, इसमें आपका खर्चा क्या, जीरो, कोई भी खर्चा नहीं, और ग्लो तो बहुत अच्छे से आने वाला है। तो दोस्तों ये थी मेरी सिंपल सी ईजी सी रेमेडी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल बटन, जिससे आने वाली सारी वीडियो से आप रहो अपडेटेड। सो मिलती हूँ फिर ऐसे ही एक बहुत अच्छी रेमेडी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे।